नजर आए तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधते नजर आए। लोकसभा के प्रदर्शन को लेकर धन्यवाद तो विधानसभा के प्रदर्शन को लेकर तैयारी करने की बात वो करते नजर आए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में लगातार अपहरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ऐसा ही एक मामला बल्लभगढ़ से सटे राजीव कॉलोनी से सामने आया है, जहां 13 साल का टिंकू नाम का युवक घर से लापता है। बताया जा रहा है कि युवक 6 जून से जब उसके माता पिता मजदूरी के लिए घर से चले गए, टिंकू तभी से खेलने के लिए घर से बाहर निकला था और देर रात तक जब माता पिता मजदूरी करके लौटे हैं, उनका बेटा घर नहीं आया। फिलहाल माता पिता की शिकायत के बाद 11 दिन के बीता जाने के बाद भी पुलिस को युवक का कोई सुराग नहीं लगा। उधर टिंकू के गायब होने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब परिवार के सभी लोग युवक को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन, जगह जगह जाकर उसकी तलाश कर रहे हैं। जो इनके साथ हादसा हुआ, इनका बच्चा जो गायब हुआ है 6 तारीख से, उसी की ट्रेसिंग के लिए पुलिस के आज प्रशासन में आने पर 58 सेक्टर में हम आए हैं और अब तक पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही रही है। किसी प्रकार की ट्रेसिंग के मामले में जो सख्त कदम उठाने चाहिए वो सख्त कदम नहीं उठाया है, क्योंकि हमने उनसे मांग करी थी कि भाई आप हमारे जो अड़ोस पड़ोस के जो कैमरे हैं उनके लिए अपना एक आदमी दे दीजिए, उनसे हम चेक करा लेते हैं। साथ में उन्होंने आदमी भी नहीं दिया ढंग से, एक आध को चेक करके चलाया गया। जो उस कैमरे में बच्चे, 3 बच्चे खेल रहे हैं, 3 बच्चे खेल रहे हैं, उनमें से 2 बच्चे तो यहीं के यहीं रह गए, 1 बच्चा गायब हो गया। तो ये सारी मतलब ये कि जो ने प्रक्रिया को देख करके हमने कहा कि भाई बच्चा बाहर रोड पर तो निकला होगा, यदि सभी हमारे मतलब ये कि जो है उनको चेक किया जाए तो हो सकता है कि बच्चा अकेला गया है या किसी के मतलब साथ में गया हुआ है। उस ट्रेसिंग पे आज जोर दिया तो अभी उन्होंने प्रशासन ने उनके साथ, हम इस बात को तो कहेंगे कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही तो होती है कि जैसे हमारा बच्चा गायब है 13 साल का टिंकू नाम का, से शाम से पुलिस प्रशासन से ये हमारा बच्चा कैसे भी सही सलामत ला के दे दे कहीं से भी। ये दिनांक 7 तारीख को एक गनौजी रहते हैं हमने परिवार सहित राजीव कॉलोनी में, उनका एक 13 साल का लड़का है जिसका नाम टिंकू शर्मा है। वो दिन में से खेलते खेलते घर से गायब हो गया था। 7 तारीख को हमारे पास आई, हमने उसके खिलाफ उनके अगेंस्ट अपना केस रजिस्टर कर दिया है। जो भी राजीव कॉलोनी की गलियों के CCTV कैमरे हैं सारे चेक किए जा रहे हैं, मौजूद आदमियों से पूछताछ की जा रही है। सॉल्यूशन होम, CRO ब्रांच, स्थार वगैरह, बस अड्डा, जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है बाहर की शाखा की सहायता ली जा रही है। लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं सभी से, पब्लिक से भी, सभी मौजूदा व्यक्ति से भी यही उम्मीद करते हैं कि भाई जहाँ भी इस बच्चे का कोई पता लगे तो उसकी सूचना तुरंत दें। हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं और जहाँ भी किसी को कोई इस बारे में सूचना मिलती है तो वो हमें अवश्य बताएं।